जो 2 रुपए के बड़े वाले सिक्के हैं, वो तीनों सिक्के आप इस टाइम पे देख सकते हैं, 8 ग्राम के कॉपर निकल के सिक्के होते हैं। इसमें ये जो सिक्का है ये है 50 पैसे का सिक्का, लेकिन ये जब 2 रुपए का 1982 में जारी किया गया था, 2 रुपए का बड़ा वाला सिक्का, उसी टाइम पे 1982 में इस सिक्के को, 50 पैसे के सिक्के को भी बढ़ाया गया था। और इसके जैसा ही सेम दिखने वाला ये 2 रुपए का सिक्का, ये भी 8 ग्राम का ही है, कॉपर निकल का सिक्का है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क जो है वो ये है कि ये है कॉमेमोरेटिव कॉइन, जो ये 50 पैसा है ये भी कॉमेमोरेटिव कॉइन है, और ये है डेफिनेटिव सर्कुलेशन का सिक्का। इन सिक्कों को 1982 से 1991 तक बनाए गए थे, 1982 से 1991 तक जो ये वाले डिजाइन है जो आप देख रहे हैं इस टाइम पे, इस डिजाइन के जो सिक्के हैं 1982 से 1991 तक बनाए गए थे, 8 ग्राम वजन के साथ में। और इन सिक्कों की जो साइज है वो आपको देखने को मिलती है 28 mm, 28 mm के दोनों सिक्के आपको देखने को मिलेंगे जो इस डिजाइन के, जो नेशनल इंटीग्रेशन के जो सिक्के हैं। तो ये जो बड़े वाले सिक्के आप लोग सेल करने के बारे में बार बार मुझे कमेंट करते हैं, इन सिक्कों के बारे में बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि इन सिक्कों की रियल वैल्यू क्या है, तो आज मैं आपको बताऊंगा इन सिक्कों की सही कीमत क्या चल रही है, आज के टाइम मार्केट में इन सिक्कों की कितनी डिमांड है, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। ये जो 50 पैसे का सिक्का है ये भी एक रेयर सिक्का है, इसकी जानकारी भी दूंगा, कौन सा सिक्का कौन कौन सी मिंट से जारी किया गया है वो भी जानेंगे, पूरा एनालिसिस इन सिक्कों का जानेंगे, और इसके साथ में इन सिक्कों की कीमत की बात करेंगे, कहाँ सेल करना चाहिए और कौन सा सिक्का सेल नहीं होता है वो भी आपको जानने को मिलेगा। गाइज इस वीडियो में और भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलो हम एक एक सिक्के के बारे में डिटेल से जानते हैं। चलो मैं आपको सब कुछ शॉर्ट में बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं करेंगे। 1982 का ये जो बड़ा वाला सिक्का है, ये 3 टाइप का सिक्का आपको देखने को मिल सकता है, मतलब 3 ईयर में आपको देखने को मिल सकता है। 1982 में ये सिक्का कॉमेमोरेटिव कॉइन जारी किया गया था नेशनल इंटीग्रेशन का। अब कॉमेमोरेटिव कॉइन का मतलब ये होता है कि वो ओनली एक ही साल में जारी किया जाता है, और जो डेफिनेटिव सर्कुलेशन के सिक्के होते हैं वो एक थीम के सिक्के आपको कई अलग अलग ईयर में देखने को मिल सकते हैं, ये समझने वाली बात है यहाँ पे। तो 1982 में और 1990 में और 1991 में 3 साल में ये सिक्के आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, 1983 में भी हो सकता है, लेकिन 1983 में नहीं जारी किया गया था। 1982 एक कॉमेमोरेटिव कॉइन था, उसके बाद में इस थीम्स का सिक्का 1990 में जाके डायरेक्ट डेफिनेटिव सर्कुलेशन के लिए जारी कर दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि डेफिनेटिव सीरीज के जो सिक्के जारी किए जाते हैं वो एक ही थीम के सिक्के अलग अलग ईयर में देखने को मिल सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि 1990 और 1991 तक जारी किए गए थे, ये दोनों ईयर में इन सिक्कों को जारी किया गया। ये सिक्के आपको कोलकाता और मुंबई दो अलग अलग मिंट से देखने को मिल सकते हैं। कोलकाता मिंट के सिक्के में आप 1982 के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं देखने को मिलेगा, और मुंबई मिंट के सिक्के में आपको 1982 के नीचे एक डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इन सिक्कों की कीमत की, 2 रुपए के सिक्के की कीमत की बात कर रहा हूँ। 50 पैसे का सिक्का है वो रेयर है, और उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा आगे इस वीडियो में, एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में आ गया है आज 50 पैसे का वो सिक्का, उसकी पूरी जानकारी जरूर दूंगा आपको। लेकिन वो सिक्का जानने से पहले मैं आपको इसकी कीमत बता देता हूँ। 1982 के जो 2 रुपए के सिक्के हैं, बड़े वाले सिक्के, आपके पास में बड़े वाले सिक्के हैं तो कीमत देख लीजिए, 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। UNC कंडीशन में 50 रुपये का सिक्का आपको मिल जाएगा। जो पुराना सिक्का होता है इसका मतलब रेयर होना कोई जरूरी नहीं होता है। उसके बाद में 1990 और 1991 इनकी भी कीमत देख लीजिए। 1990 से 1991 के जितने भी सिक्के हैं आपको देखने को मिलते हैं, बड़े वाले 2 रुपए के सिक्के, तो इनकी वैल्यू भी देख लीजिए, 20 रुपये से लेकर 50 रुपये में UNC कंडीशन में सिक्का अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपके पास है तो आप भी इस कीमत में सेल कर सकते हैं, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि आपका सेल हो जाएगा, लेकिन अगर आपको परचेज करना है तो आपको 20 रुपये से 50 रुपये के बीच में ये सिक्का अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी आप सोच सकते हैं कि कोई सिक्का पुराना हो जाता है या फिर बड़ा सिक्का होने से वो सिक्का रेयर नहीं हो जाता है। अब जानते हैं 50 पैसे के सिक्के की कीमत। 50 पैसे का सिक्का इन सभी सिक्कों में सबसे छोटा सिक्का है, लेकिन उसकी कीमत इन सभी सिक्कों से ज़्यादा है।
तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो 1982 का 50 पैसे का सिक्का आप इस टाइम पे देख रहे हैं, ये एक कॉमेमोरेटिव कॉइन है। मतलब 1982 का जो 2 रुपए का सिक्का जारी किया गया था, उसके साथ में इस 50 पैसे के सिक्के को इश्यू किया गया था। और ये सिक्का भारत के 2 मिंटों से इश्यू किया गया था, कोलकाता और मुंबई की मिंट से। अब अगर बात करें इस सिक्के की फिजिकली डिटेल की, तो ये सिक्का कॉपर निकल का होता है, 5 ग्राम वजन होता है, 24 mm की साइज होती है और 1.6 mm का इस सिक्के का थिकनेस होता है। अगर हम लोग इस सिक्के का ओवर भाग चेक करते हैं, तो ऊपर की साइड में अशोक स्तंभ बना हुआ होता है और उसके नीचे सत्यमेव जयते और उसके नीचे डिनोमिनेशन 50 होता है। एक साइड भारत पैसे हिंदी में और दूसरी साइड इंडिया पैसे इंग्लिश में होते हैं, और भारत पैसे और इंडिया पैसे दोनों के बीच में एक स्टार देखने को मिलता है। और अगर सिक्के के रिवर्स भाग से चेक करते हैं, तो बीच में भारत का नक्शा बना हुआ है, ऊपर राष्ट्रीय एकता, नीचे नेशनल इंटीग्रेशन का चिन्ह है और उसके नीचे ईयर मेंशन किया गया है। यहाँ पे अगर कोलकाता मिंट का सिक्का होता है 1982 के नीचे आपको कोई भी मिंट मार्क नहीं देखने को मिलेगा, और अगर सिक्का मुंबई मिंट का होता है तो आपको 1982 के नीचे एक डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलेगा। इस सिक्के की डिटेल मैंने थोड़ी सी स्पीड में आपको समझाई है, और उसका रीज़न ये होता है कि कोई भी ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। तो चलो थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि रेयर सिक्के की क्या पहचान है और कॉमन सिक्के की क्या पहचान है। जो सिक्के की फिजिकली डिटेल थी वो तो हमने जान ली है। अगर आपके पास में 1982 का ये वाला सेम सिक्का होता है जो आप स्क्रीन पे इस टाइम पे देख सकते हैं, ये सिक्का होता है, तो इस एक सिक्के की कीमत आज के टाइम पर 2000 से 3000 के बीच में चल रही है। ये डिपेंड करेगा जो बायर होता है उस पर और उसके साथ में आपके सिक्के की कंडीशन पर। 1982 के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं होना चाहिए, तो वो होगा कोलकाता मिंट का सिक्का, और कोलकाता मिंट का सिक्का आज के टाइम पर रेयर की कैटेगरी में आता है। तो जो लोग बड़े वाले नेशनल इंटीग्रेशन के सिक्के सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको ढूंढना है 50 पैसे का छोटा वाला सिक्का। मतलब 2 रुपये का बड़ा वाला सिक्का रेयर नहीं है, वो सभी कॉमन है, उसकी वैल्यू 20 रुपये से 50 रुपये तक लास्ट हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास में उसी थीम्स का कोलकाता मिंट का 1982 का सिक्का होता है विदाउट मिंट मार्क का, तो वो सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है। और अगर आपके पास में यही सिक्का डायमंड मिंट मार्क का होता है, तब आपको इस सिक्के की वैल्यू मिल सकती है ओनली 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक लास्ट है। जो मैंने आपको वैल्यू बताई है ध्यान से देख लेना, जिसमें 1982 के नीचे डायमंड बना हुआ है तो कॉमन सिक्का होता है और वैल्यू 20 से 30 रुपये मिल सकती है। लेकिन अगर वो विदाउट मिंट मार्क का है तो वो सिक्का रेयर होता है। और उसके बाद में अगर आपका सिक्का UNC नहीं होता है, एक्स्ट्रा फाइन फाइन वेरी फाइन कंडीशन में होता है, तो उसकी वैल्यू उसके हिसाब से ही डिपेंड की जा सकती है। तो गाइज 2 रुपये के बड़े वाले सिक्के की पूरी डिटेल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आया वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स